बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन। आज के इस वीडियो में करबला के मैदान का ऐसा वाक़या बयान करने वाली हूँ जिसको शायद आपने पहले कभी नहीं सुना, और ये वाक़या सुनकर आपके आंसू निकल आएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के घोड़े के बारे में। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के घोड़े का नाम क्या था, आप रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ये घोड़ा कहाँ से आया था और इस घोड़े की क्या खासियत थी। इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के घोड़े के बारे में तफसील से बताएंगे, और साथ ही साथ करबला के मैदान में इस घोड़े की वफादारी का एक वाक़या भी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के घोड़े का नाम जुलजना था। जुलजना ईरान के बादशाह ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा मशहूर था कि आप जिस घोड़े पर एक मरतबा बैठ जाया करते थे तो इस घोड़े की उम्र बढ़ जाया करती थी, वो घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता था। इसलिए ये घोड़ा यानी जुलजना इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी करबला के मैदान में सेहतमंद और चाको चौपन था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के घोड़े की रफ़्तार और इसकी खूबसूरती की वजह से इस घोड़े को जुलजना कहा करते थे। जब ये घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मन पर हमलावर होता तो ऐसा लगता था कि ये भाग नहीं रहा बल्कि हवा में उड़ रहा है, इसीलिए इसे जुलजना यानी दो परों वाला घोड़ा कहा जाता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बचपन से ही इस घोड़े से बहुत लगाव था कि एक मरतबा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने नाना जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े के पास कुछ साथी और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाडले नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु खुद तो बहुत खुश हुए और पूछा गया कि बेटा, क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहोगे। तो ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हवा में जवाब दिया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बात इस जुलजना ने भी सुन ली तो फौरन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कदमों में आकर बैठ गया ताकि आप इस पर आसानी से सवार हो सके। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस घोड़े पर बैठकर इसकी सवारी की। ये सारा मंजर देखकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा ये वही घोड़ा है जो अशूरा के दिन तुम्हारी मदद करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घोड़ा जुलजना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले कर दिया। मोहतरम नाज़रीन, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आ गया जिन्होंने करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से वो मोहब्बत और वफा की जिसको देखकर खुद को वफा भी नाज करने लगी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के घोड़े जुलजना के बारे में ये बात बहुत मशहूर है कि जब यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का पानी बंद किया, जुलजना को करबला के मैदान में काफ़ी पानी पीने का मौका मिला लेकिन इसने भी पानी नहीं पिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ पानी ना पीकर अपना वादा वफा कर दिया। इसके बाद जब करबला में 10 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जुलजना से ज़मीन पर गिरे तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने आकर इस तरह खड़ा हो गया कि दुश्मन की तरफ से आने वाले हर तीर को अपने जिस्म पर रोकता रहा, इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा खाली ना रहा। बाज़ रिवायात में आता है कि जुलजना को इतने तीर लगने के बावजूद भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के इस घोड़े ने 60 से ज़्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद में जब जालिमों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और इनके साथियों को शहीद कर दिया तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का ये घोड़ा यानी जुलजना अहले बैत की लाशों के गिर्द चक्कर लगाता रहा। फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जिस्म के पास आकर रुक गया और अपनी पेशानी को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के खून से तर कर लिया। फिर अपने पाँव को ज़मीन पर इस तरह ज़ोर से मारा कि जिससे इतनी ज़ोरदार आवाज़ पैदा हुई के पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ये देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गए। उमर बिन साद की नज़र इस पर पड़ी तो कहने लगे कि इस घोड़े को मेरे पास ले आओ, ये घोड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा है
उमर बिन साद के कहने पर लोग जुलजना को पकड़ने के लिए दौड़े। जैसे ही वो लोग जुलजना के करीब पहुंचे तो जुलजना ने इसे जोर से अपना पांव जमीन पर मारा कि इनको वहां से वापस भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये देखकर उमर बिन साद चिल्लाया कि इसे इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं ये क्या करता है। ये घोड़ा हजरत इमाम हुसैन रजी तआला अन्हो के जिसे मेहतर के पास जाकर इस तरह से बिल बिलाकर दौड़ने लगा जैसे कि कोई किसी जवान की मौत पर रोता है। अल्लाहु अकबर। करबला के वाक़े के बाद एक शख्स इमाम बेहकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगे हैं, इमाम आप तो इस वक्त करबला के मैदान में मौजूद थे। हज़रत इमाम हुसैन रजी तआला अन्हो का घोड़ा हज़रत इमाम हुसैन रजी तआला अन्हो के नीचे गिरने के बाद इनके जस्ते खाकी का चक्कर लगाता रहा, तो हमें ये बताएं कि इसके बाद इसका क्या हुआ। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, दुश्मनों का लश्कर हज़रत इमाम हुसैन रजी तआला अन्हो के घोड़े जुलजना को हासिल करना चाहता था क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन घोड़ों में से एक था। ये देखकर घोड़े ने अपने आप को नहर फिरात के हवाले कर दिया। जुलजना ने कहा कि जब मेरा सवार ही जिंदा नहीं रहा तो अब मैं क्या करूँ। ये कहकर वो घोड़ा नहर फिरात में डूब गया। इस तरह हज़रत इमाम हुसैन रजी तआला अन्हो की शहादत के बाद इनका घोड़ा जल्द इस दुनिया से चला गया। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव नॉलेज आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और मेरा हम नसर। अल्लाह हाफिज़।